बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम देखने वाले हैं 12th क्लास की हिस्ट्री का एपिसोड हमारा है 24, और इसमें हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैप से। हालांकि मैप मैंने सारे ऑलरेडी करा रखे हैं, लेकिन आपको एक दो तीन तीन मैप यहाँ पे इम्पोर्टेंट कराने वाला हूँ, और बाकी सारे मैप में आपको इसमें कुछ मैप में आपको दोबारा करा रहा हूँ जिसकी जरूरत नहीं थी, मैं आपको केवल करा रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन में बाकी सारे मैप का लिंक दूंगा, आप अगर किसी ने मैप नहीं देखे या किसी को लग रहा है कि हमने मैप नहीं करवाए तो वो डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक ले और वहां से जाके सारे मैप की वीडियो देखे। इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों की, हमारे जो मेनली यहाँ पे हिस्ट्री में इंडिया के ही मैप है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंडिया के मैप में सिंपल ही है, ऑलरेडी ज्यादातर बच्चे जानते हैं इसे। 24वां एपिसोड है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैप से संबंधित आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। ज्यादातर जो मैप आता है और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आते हैं वो 1857 के विद्रोह वाले चैप्टर में से दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार मैप में। तो देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से। देखो 1857 के विद्रोह से संबंधित जो क्वेश्चन है आपके सामने है इंपॉर्टेंट। देखो वैसे तो ये जगह इतनी सारी थी पर इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो ऐड कर रखे, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, ठीक है, आजमगढ़, बनारस और झांसी, ग्वालियर, आगरा, फिर आपके सामने है आरा, आप यहाँ पे देख सकते हो आरा और लखनऊ, ये सारे क्या है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है कि इसमें से कुछ ही पूछी जाएंगी, सारी सारी नहीं पूछी जाएंगी आपसे, एक या दो जगह पूछी जाएंगी ज्यादा ज्यादा, बाकी और अलग क्वेश्चन होंगे। और दूसरा जो हमने लिया है वो हड़प्पा से लिया है, हड़प्पा से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हड़प्पा में एक चीज पता होनी चाहिए कि जो हड़प्पा में जो नगर दिए, जो पुराने स्थल दिए हुए वर्तमान में वो किस राज्य में, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे नागेश्वर हो जाएगा गुजरात में है, बालाकोट पाकिस्तान में है, चौंदड़ो पाकिस्तान में है, कोट दीजी पाकिस्तान में है, धोलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, आपको ये वर्तमान स्थिति पता होनी चाहिए। कालीबंगन राजस्थान में है, बनावली हरियाणा में है, राखी गढ़ी भी जो है वो हरियाणा में ही है, तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तीसरा आपके सामने है इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे केवल पांच ही लिए हैं और बाकी और भी बहुत सारे हैं जिसमें वो गांधार, अवंती वगैरह बहुत सारे थे कौशल, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ ही ले रखे हैं। मगध यहाँ पे सॉरी दो बार रिपीट हो गया है, मगध इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट है, तक्षशिला, उज्जैनी, अवंती वगैरह ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तीन चीजें आपके सामने हैं यही हम मैप में देखने वाले हैं। तो शुरुआत जो हम करेंगे सबसे पहले करेंगे हम ये 1857 वाले विद्रोह के। तो 1857 के विद्रोह की सारी चीजें मैंने पहले से ऑलरेडी अपनी नोटबुक में नोट कर ली है इंपॉर्टेंट चीजें। अब मैं आपको क्या करने वाला हूँ, मैप के अंदर ये सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, अच्छे से समझने की कोशिश करना है सबसे पहले आप, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना किसी भी चीज में, अच्छे से समझो। अब हम चलते हैं, सबसे पहले कहाँ चलेंगे, हम अपने मैप में चलेंगे, ठीक है। तो मैप के लिए हम पहले स्क्रीन से बाहर हो जाते हैं, यस। अब हम क्या करते हैं, आ गए हम मैप में, तो आपके सामने एक बार देखिए ये इंडिया का मैप है। ठीक है, तो ये इंडिया का मैप है अपने सामने। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जगहों की, तो सबसे पहले हड़प्पा सॉरी सबसे पहले हम 1857 वाली बात कर रहे थे। तो 1857 में सबसे पहले हमने पढ़ा था मेरठ, मेरठ कहाँ पे है, यूपी में है। तो मेरठ आपको दिख रहा होगा, देखो ये अपने सामने मैप है इंडिया का। जब हम आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा डीपली इसमें जाने की कोशिश करते हैं तो अपने सामने जो आएगा मेरठ आएगा। आप ध्यान से देखें कि मेरठ है कहाँ पे, या आप देखिए आपके सामने मैंने क्या करा है, मेरठ को हाईलाइट कर दिया है। अब आप देखेंगे जैसे जैसे हम इसमें जूम करते हैं तो मेरठ जो है हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये देखो मेरठ है अपना, ये रहा मेरठ, तो ये मेरठ हो गया। मेरठ से इसके बाद हम दिल्ली की बात करेंगे तो मेरठ और दिल्ली जो है वो आसपास ही है, यहाँ पे बिल्कुल बीच में आपको इसके पास दिल्ली दिखेगा, तो दिल्ली और मेरठ जो है आसपास है, ठीक है। इसके बाद हम कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर जो है वो यूपी में। अब यूपी कहाँ पे है आपको यहाँ पे मैप में पता होना चाहिए। देखो जैसे ये आपके सामने मैप है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूपी में ही ये मेरठ भी पड़ता है, ये पूरा का पूरा इतना जो आपको दिख रहा है ये यूपी है। मैं एक बार कर्सर ले जाता हूँ, आप कर्सर को ध्यान से देखें, ठीक है, माउस के जरिए आप ये देख लें, जहां जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ये पूरा यूपी है। तो यूपी में बात कर रहे हैं कानपुर की, तो आपके सामने कानपुर है, मैंने कर्सर रख दिया इस पे, अब मैं इसको आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। कानपुर वगैरह आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये कानपुर हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कानपुर, लखनऊ, इसमें झांसी भी पूछा जा सकता है, झांसी जो है वो मध्य प्रदेश साइड में आपको दिखेगा, ग्वालियर वगैरह की बात करते हैं। लेकिन अभी हमारा एक चीज रह गया, लखनऊ हमने कानपुर की बात कर लिया, आगरा रह रहा है, तो आगरा आपके सामने यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं आगरा,
तो ये हमने यूपी में कर लिया है पूरा का पूरा डिस्कस आपके सामने। ये जो है इस तरीके से उत्तर प्रदेश है, आप इसे देखिए, ये देखिए, ये मैंने क्या करा, उत्तर प्रदेश को हाईलाइट कर दिया, उत्तर प्रदेश में ये सारी चीजें। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर में एक ही राज्य से तीन तीन चार चार चीजें आपसे नहीं पूछेंगे, पेपर में एक राज्य से ज्यादा ज्यादा एक ही चीज पूछ सकते हैं आपसे, या मैक्सिमम से मैक्सिमम पूछ लिया तो दो, वरना उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मेरठ यूपी में है, कानपुर यूपी में है, बनारस वगैरह पूछे तो यूपी में है, और आगरा पूछ ले तो वो यूपी में है, लखनऊ पूछ ले तो वो यूपी में, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम कहां पे चलेंगे, हमारा जो अगला था वो झांसी था, एक बार हम मध्य प्रदेश की तरफ भी चल लेते हैं थोड़ा। मध्य प्रदेश आपको पता है, मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल बीचों बीच है, तो आप बिल्कुल बीचों बीच आओगे मध्य प्रदेश में। देखिए एक बार, ये थोड़ा टाइम लगाएगा अभी, तो एक बार आप देखिए आपके सामने मैंने ग्वालियर जो है वो जूम कर रखा है, ये हमारा ग्वालियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा छोटा करूंगा, आपको मध्य प्रदेश में ग्वालियर दिख रहा होगा, ध्यान से आप देखिए, मैं इसको धीरे धीरे छोटा कर रहा हूं, ये देखिए, ठीक है आपके सामने है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, आराम आराम से छोटा करता हूँ ताकि आपको मैप में एग्जैक्ट स्थिति पता लगे। मैंने ये ग्रीन कलर से करा था, ये देखिए, यूपी से जस्ट हम नीचे आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्वालियर दिख रहा है। देखो बिल्कुल यूपी जो है इसके आसपास ही दिख रहा है हमको, यहाँ पे नीचे मोरेना और ये ग्वालियर आपको दिख गया होगा। अगर आपको यहाँ पे ग्वालियर दिख गया है तो मैं एक बार इसे ब्लैक कलर से करता हूँ, तब आपको अच्छे से दिखेगा। देखो ये ग्वालियर है, और ग्वालियर से थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं तो हमको यहाँ पे झांसी दिख रहा है, ठीक है। अब देखो आपके सामने बड़ा कर दिया, ये ग्वालियर हो गया और ये झांसी हो गया। ठीक है, ये ग्वालियर और ये झांसी। अब आप देखो यूपी के जस्ट नीचे लाइन पे आपको यहाँ पे बिल्कुल बीच में मध्य प्रदेश के आपको इधर की साइड क्या दिख रहा है, आपको ग्वालियर भी दिख रहा है और झांसी भी दिख रहा है। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। आरा वगैरह जो था वो बिहार साइड में आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसे कर दें। ये आपका जो 1857 वाला था ये हो चुका है। अब आपके सामने अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एक पहले हम मगध वाला कर लेते हैं, मगध वाला इंपॉर्टेंट था ना, मगध देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपके सामने बिहार खोल दिया, बिहार में एक बार देखें पटना, ये जो पटना था ना, पटना ये हमारा पाटलिपुत्र है। पटना से जब हम थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अगर हम पटना से थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा आप नीचे ध्यान से देखें तो आपको इधर गया दिख रहा है, यानी पटना से जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमको यहाँ पे गया दिख रहा है, और गया के जस्ट ऊपर यहाँ पे इधर की तरफ कभी मगध होता था, ठीक है। ये हमारा इधर की जो जगह हो जाएगी वो मगध की हो जाएगी। तो मगध, गया, पटना वगैरह जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से समझना है, ठीक है। और मगध के पास फिर यहीं पे राजगीर वगैरह जो था, ठीक है, पटना पाटलिपुत्र जो है ये बिहार में है, तो आपको ध्यान से देखना है, देखो ये कहाँ पे है, बिहार में। अब हम इस मैप को छोटा करेंगे तो यहाँ पे देखो आपको ये यूपी दिखा था, और यूपी के बाद की बात करें तो बिहार है, फिर बिहार के इधर आते हैं झारखंड वगैरह आ जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है बिहार में है, इंपॉर्टेंट था। इसके बाद इसमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो तक्षशिला है। तक्षशिला कहाँ पे, ये पाकिस्तान में। एक बार ना हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भारत है और ये आ जाते हैं हम पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हम क्या करते हैं, पाकिस्तान में हम थोड़ा सा अगर इधर ऊपर आएंगे, इस्लामाबाद दिख रहा है आपको, इस्लामाबाद, यस, अगर आपने यहाँ पे इस्लामाबाद देख लिया ना, मैंने आपको पहले हाईलाइट करके दिखाता हूँ, देखो इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा जूम करना होगा उसके ऊपर की तरफ, थोड़ा सा पास में चलना होगा, आपको ये सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। तो इस्लामाबाद के बाद ये जो आपको दिख रहा है, वाह, ध्यान से देखिए, मैं आपको आराम आराम से जूम कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे तक्षशिला दिखाई देगा, यस, आपको दिख गया होगा, ये जहाँ पे मैंने माउस रख रखा है कर्सर, ये तक्षशिला है, ध्यान से देखें, TAXILA, तक्षशिला, ठीक है, ये देखिए। ये रहा तक्षशिला, आप ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो पाकिस्तान से जब हम जाते हैं नॉर्दर्न नॉर्थ की तरफ ऊपर, तो हमें क्या दिखता है, इस्लामाबाद से साइड में थोड़ा तक्षशिला दिखता है। एक चीज ध्यान रखना, ये अफगानिस्तान, आपको मैप में अफगानिस्तान के आसपास भी पॉइंट दिखा सकते हैं,
तो आप उसको अफगानिस्तान मत समझ लेना, क्योंकि एक बार मेरे से भी ऐसी मिस्टेक हो गई थी, मैंने भी उसे अफगानिस्तान समझ लिया था, क्योंकि वो पॉइंट दिखा इस जगह पे दिखाएगा आपको पॉइंट, तो आप सोचोगे यार ये तो पाकिस्तान के क्रॉस जा रहा है, ये तो उसमें होगा अफगानिस्तान में, तो ये मिस्टेक हो जाएगी आपसे। ध्यान रखना वो पाकिस्तान में ही है, लेकिन आपको मैप में कई बार वो शो होता है उधर की तरफ, ठीक है, जो कि मैप में छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो ये चीजें होती हैं। तो ये हमारा हो गया है हमारा अवंती और जो सेकंड चैप्टर वाला था। अब हम चलते हैं हड़प्पा सभ्यता वाले मैप में। हड़प्पा सभ्यता वाले में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा था वहां पे नागेश्वर, जो कि कहाँ पे था, हमने नागेश्वर देखा था गुजरात में। तो अब आपको गुजरात पता होगा हमारे देश में कहाँ पे है, तो यस ये गुजरात में आ जाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे जो नाम थे वो अलग थे, आज के टाइम पे वो नाम अलग होते होंगे। तो ये जो वैसे अगर आप मैं आपके एनसीईआरटी के मैप के अनुसार बता रहा हूँ, तो ये आप एक बार देखिए पहले गुजरात, गुजरात में ये जो कोने वाला स्थान है बिल्कुल, जो अरेबियन सी आपको दिख रहा है यहाँ से, इसके बाद ये आपको यहाँ पे द्वारका और ये ओखा दिख रहा है, इधर ही होता था पहले नागेश्वर, ठीक है। तो नागेश्वर की जो जगह थी इधर ही थी, तो ये इंपॉर्टेंट था आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम, याद रखना मैं आपको पॉइंट करते हुए चलूंगा, यहाँ पे आपको मैप में इस जगह पे नागेश्वर दिखाएंगे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे। फिर दूसरा हम धोलावीरा भी यहीं पे करते हुए चलते हैं साथ के साथ। तो धोलावीरा का जो पॉइंट आपको दिखाएगा वो नागेश्वर इधर, यहाँ पे आपको नागेश्वर दिखा रहा था, इधर ऊपर की तरफ जब आप आएंगे, ठीक है, आप थोड़ा सा देखें एक बार, तो एक सेकेंड, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे आपको दिखाएगा धोलावीरा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, नागेश्वर आपको कहाँ पे दिखा रहा है, धोलावीरा आपको किधर दिखाएगा, यहाँ पे आपको धोलावीरा दिखाएगा, तो आप इससे थोड़ा सा इधर आएंगे तो आपको इधर की साइड लोथल दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपके मैप में हो जाएगा, इस जगह पे शो नहीं कर रहा है बट आपके मैप में आपको शो कर देगा वो जो आपके पेपर में आएगा, तो ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, ठीक है। अब ये जो पाकिस्तान आ गया, अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता के जो पाकिस्तान वाले आएंगे, जैसे कि चोहंदड़ो हो जाएगा, ठीक है, और कोट दीजी वगैरह हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, तो आपको वो सारे के सारे पाकिस्तान में पॉइंट आउट करने हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है पाकिस्तान में पॉइंट आउट करने हैं आपको ये सारे के सारे। अब एक चीज ध्यान रखना कि पेपर में ना एक ही जगह से नहीं आएंगे, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पेपर में क्वेश्चन आ गया कि हड़प्पा संबंधित कोई एक नगर बताओ, जैसे पाकिस्तान में पॉइंट कर रखा है आपके सामने या फिर गुजरात में कर रखा है, तो एक जगह पे एक क्वेश्चन से संबंधित आएगा, एक ही राज्य में एक से ज्यादा नहीं आएंगे, पहली चीज ये याद रखें, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। दूसरी चीज, अब हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन आ गया तो जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन हड़प्पा के होंगे, उसमें एक क्वेश्चन आपका ये जैसे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पूछ सकते हैं, या एक अलग क्वेश्चन आपका आ जाएगा वो 1857 वाले विद्रोह के चैप्टर से आ जाएगा, इस तरीके से आपसे पूछेंगे, तो आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था, इसमें एक कालीबंगन इंपॉर्टेंट है और एक बनावली इंपॉर्टेंट है, तो कालीबंगन जो था वो राजस्थान में था, ठीक है, तो आपको राजस्थान ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये आपके सामने जो है ये राजस्थान राज्य है, इसमें आपको कहीं पे भी आ जाए कालीबंगन वगैरह पॉइंट आपको पता लग जाएगा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और हरियाणा जो आपके सामने है आप देखें एक बार, जैसे आपको दिख रहा है हिसार सिरसा वगैरह, ये किस में आ जाते हैं, हरियाणा में आ जाते हैं, ठीक है, पानीपत वगैरह ये जो दिख रहा है ये, तो यहाँ पे आएगा हरियाणा से, तो या तो राखीगढ़ी पूछ सकते हैं या आपसे बनावली पूछ सकते हैं, तो ये आप हरियाणा में दिखा दोगे। तो इस तरीके से ना आपको केवल राज्य पता होने चाहिए कि भारत में कौन सा राज्य कहाँ पर है और कैसे है, बाकी आप डीपली अगर मैप की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहां से जाके मैप की वीडियो देख सकते हैं, और आपको 4-5 वीडियो बनाई थी उसी में से क्वेश्चन आए थे पिछले साल, और जो उम्मीद है ये जो आपको मैंने बताया ना आप इनकी खुद प्रैक्टिस कर लो मैप में, आपको यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे जहां तक उम्मीद है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इस वीडियो में, बाकी आप सारी वीडियो देख लें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।